हाय फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और लाल मिर्च पाउडर की चटनी। ये रेसिपी मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखाई है, ये उनकी स्पेशलिटी है। हाँ, वो यहाँ पे तिल स्किप करती है, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तिल ऐड करती हूँ। ये चटनी आलू पराठे के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल बाटी के साथ, बहुत सी चीज़ों के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर। हमारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मोटर और पैसल में हम 4 लहसुन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तिल। तीनों ही चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्रश अच्छे से हो जाने के बाद 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च पाउडर लिया है वो ज़्यादा तीखा नहीं है, हाँ उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड है, मैंने इसी तरह से ली है ताकि तीखा ज़्यादा ना हो और कलर अच्छे से दिखे। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कंसिस्टेंसी अच्छे से एडजस्ट हो जाए, मसाले सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए, आप थोड़ा पतला करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर एक तड़का पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें डालेंगे चुटकी भर हींग और फिर हमारी रेडी की हुई चटनी की पेस्ट। चटनी डालते ही तुरंत हिलाने लगना है विदाउट वेस्टिंग टाइम, वरना जल जाएगी, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और फिर आधे मिनट में ही बंद कर देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, तड़का पैन गर्म है इसलिए ऑलरेडी वो सिकती रहेगी। तो देखिए हमारी स्पाइसी चटनी तैयार है। If you haven't subscribed yet, please subscribe and tap the bell icon. Thank you.